परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 5 तक देखा था, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6। नाम है भरत, प्रकार है एकांकी। भरत के स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले इस पाठ में क्या बात हुई थी वो हम देखेंगे कि आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। कण्व ऋषि का जो आश्रम था उसका दृश्य हमें यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना है, गिनना उसका दांत, सिंह शावक का बच्चा है, उसका दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह यानी कि प्रेम उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच देकर, लालच बतलाकर वो बालक सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। दो तपस्विनियाँ ये दृश्य देखती है और एक तपस्विनी ही उसे लालच देती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, तुम सिंह शावक के बच्चे को छोड़ दो। बालक खिलौना के लिए बिना ना उसे छोड़ नहीं चाहता। वो कहता है कि पहले मुझे खिलौना दो, बाद में मैं उसे ये छोड़ दूंगा। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी के एक तपस्विनी ने दूसरी तपस्विनी को कहा कि तुम मिट्टी का मोर लाने के लिए कि जो मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है वो ले आओ, और लेने के लिए उसे भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता और एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। जब वह बालक मिट्टी का मोर लेने जाती है तब वह तपस्विनी दुष्यंत को देखती है और दुष्यंत को कहती है कि आप भी उस बालक को समझाइए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, वह तो पूर्ववंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान ली। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है। जो अंदर वह कुटिया में है जो मिट्टी का मोर रखा था वो तपस्विनी लेकर आती है और दुष्यंत को और उसे बालक को दे देती है और उसे शंकु पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है कि ये मिट्टी का मोर है, उसका सौंदर्य देखो। शकुंतला ये शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। शकुंतला यानी कि ये शब्द सुनता है तो उसके सुनकर उसके अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। हमने चैप्टर में देखा था कि उसकी अंगूठी जो स्वर्ण रूप में जो वह जुदे हुए तब उसने ये अंगूठी उसके हाथ में पहना दी थी और कहा था कि अब मुझे राज्य के लिए जाना होगा। और वन में वो कण्व ऋषि के आश्रम में जब वह दोनों मिले थे और कुछ दिनों के बाद वहाँ तब कण्व ऋषि नहीं थे, यात्रा पर गए थे और दोनों ने एक दूसरे से साथ गंधर्व विवाह कर लिया था और कण्व ऋषि वापस आए और तभी उसके पहले राजा दुष्यंत ने कहा था कि अब मुझे राज्य व्यवस्था देखने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, पर उसकी ये पहचानने के लिए उसकी याद में मैं तुम्हें ये अंगूठी दे जाता हूँ कि जब तुम हम मिलेंगे तो ये अंगूठी देकर मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। परंतु जब शकुंतला कण्व ऋषि आते हैं यात्रा से वापस और वो कहते हैं शकुंतला से कि बेटी अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ रहना उचित नहीं है, अब तुम अपने पति के घर लौट जाओ। तब उसके ऋषि जो आश्रम के ऋषि थे वो उसको छोड़ने के लिए आते हैं और जब वो पानी में बोट के द्वारा पानी नदी पसार करके जाते हैं तब हाथ में से उसकी अंगूठी निकल जाती है और राजा दुष्यंत उसको पहचान नहीं सकते। तो यहाँ पर कहा कि जब शकुंतला के शब्द सुनकर उसको माँ की याद आती है, उसी तरह राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ जाती है जिसका उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की यह
बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा, जो उसकी रक्षा का धागा ऋषि ने पहनाया था कि ये किसी जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो सिंह सावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में जो बांधा हुआ रक्षा का धागा था उसे क्या कहते हैं, तो कि रक्षाबंधन, जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेता है तो तपस्विनियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसको डसने लेता है। उसके जब ऋषियों ने उसका बाह में जो काला धागा बांधा था उसने तभी वचन दिया था कि जो तुम्हारे माता पिता ये धागा है जो गिरकर जमीन पर पड़ेगा और तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ये उठाएगा तो उसे सांप बनकर वो डस लेगा। इसी तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत यानी कि सर्वदमन नामक यह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है, तो कि भरत है। तभी उसे निश्चित हो जाता है यानी कि पता चल जाता है कि यह भरत है, यानी कि जो बालक उसका नाम था सर्वदमन, तो कि वो बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। ये थी भरत कहानी, भरत चैप्टर की एकांकी की कहानी। अब हम उसके देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। सर्वदमन क्या करना चाहता था, सर्वदमन क्या करना चाहता था, तो आगे देखा हमने कि सर्वदमन है वो कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर जो सिंह सावक था, सिंह का बच्चा था, उसके दांत गिनना चाहता था। तो सर्वदमन सिंह सावक के दांत गिनना चाहता था। दूसरा प्रश्न है तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन यह नाम सार्थक क्यों था, कि तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन यह नाम सार्थक क्यों था। तो तपस्वी उसका उत्तर है तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चे से निर्भय होकर खेलता था। कि उसका नाम सर्वदमन रखा है क्यों सार्थक है, तो कि वो बालक सर्वदमन नाम इसीलिए सकता है, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन रखा था। सर्वदमन नाम इसीलिए सार्थक है क्योंकि वह वन के प्राणी हो जो वन में कण्व ऋषि के आश्रम का वह वन में था, तो कि वन में जो प्राणियों के बच्चे से वो किन निर्भीक यानी कि बिना किसी भय से उसके साथ खेलता था, इसीलिए उसका नाम सर्वदमन होना सार्थक है। तीसरा प्रश्न है दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया। दुष्यंत सर्वदमन के बारे में यह अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत जो झाड़ के पीछे जो पेड़ के पीछे था तो वो पेड़ के पीछे ये दृश्य को देखता था कि वो बालक कैसे सिंह सावक के बच्चे के साथ खेलता है। तो तभी उसके मन में विचार आया तो उसने अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का ही पुत्र होगा जो सिंह सावक के दांत गिनता है और प्राणियों से निर्भय होकर खेलता है। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए। उसका उत्तर है दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसे चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर भी थी। उसकी हथेली में चक्रवर्तियों के लक्षण, चक्रवर्ती यानी कि समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट की उसकी हथेली में तो ये निशान है, तो कि चक्रवर्तियों के लक्षण थे। और उसकी हथेली कितनी थी, तो कि कोमल, छोटे बच्चों की हथेली की तरह कोमल और सुंदर थी। दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है, उसके अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है, तो दुष्यंत के अनुसार वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते रहे और उनके तुतले बोल सुनते रहे। दुष्यंत सोच से अपनी गोद मेली करें,
अपने अंग की मेली, तो के उसके जो धूल धूली से अपनी गोद में जो उसके अंग में जो धूल लगी है, उसका मतलब यह है कि उसके अंग में जो धूल लगी है तो के उसे अपनी गोद मेली हो जाती है। तो और उसके तुतले वचन जो बोलते हैं, वो तुतले वचन के बोल बोलते हैं, वो सुनकर जो सुनता है वही मनुष्य धन्य है। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं, कि वो अपना प्यासे हिरण से दुष्यंत अपनी ही तुलना प्यासे हिरण के साथ क्यों करते हैं। तो दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से करते हैं क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री यह बात दुष्यंत को व्याकुल कर देती है कि एक मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। जब हमें बहुत प्यास लगी हो और जब तेज धूप हो तो चमकती रेत में भी हमें पानी दिखाई देता है कि यहाँ पर पानी है। आप कभी देख सकते हो कि जब रेत पड़ी हो और हमें खूब सारी प्यास लगी हो तो कड़ी धूप में जब हम निकलते हैं तो ये रेत भी हमें पानी जैसी दिखाई देती है। तो कि दुष्यंत को तुलना प्यासे हिरण के साथ करता है क्योंकि उसे लगता है कि मृग तृष्णा जब पानी के लिए तरसता हुआ हिरण जब व्याकुल होता है उसे पानी नहीं मिलता, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी है या अन्य कोई स्त्री है यह बात दुष्यंत को व्याकुल करती है कि यह मेरी सचमुच मेरी पत्नी ही है या अन्य कोई स्त्री है। कश्यप ने दिया था कि जो उसने धागा पहनाया था रक्षा का, तो वो किसने बांधा था, किसने दिया था? तो बालक को रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का जो धागा है वो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुमान करते हैं? जो उसे रक्षा का धागा बांधा था उसे साप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? तो रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने का आनंद अनुभव करते हैं कि जो मेरा अनुभव था, मेरा मनोरथ था, क्या मनोरथ था? तो अगले प्रश्न में हमने देखा कि वो धन्य हो गए क्योंकि उसकी गोद धुली हुई उसके पोत्रों की गोद में लेकर उनके अंग की धुली धूल जो अपनी गोद से मेली हो गई और उसके तोतले वचन उसको वो सुनने पड़े, तो कि यह मेरे मनोरथ थे वो पूर्ण हो गए और मैं आनंद का अनुभव कर सकता हूँ। तो रक्षाबंधन के साप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने का आनंद का अनुभव करते हैं। ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब है दो दो क्वेश्चन टू, दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न है कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा, कि जब वह कर्ण ऋषि के आश्रम में आया तब ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन ही क्यों रखा? तो बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण साहसी यानी कि साहस वाला, निर्भीक यानी कि भय रहित स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा, कि बालक जब वन में आया, कण्व ऋषि के आश्रम में आया, तब वह बिना किसी भय किसी भी प्रकार का उसे डर नहीं था कि वो मुझे डस लेगा, मुझे खा जाएगा, तो कि बिना किसी प्रकार का डर होकर वह खेलता था और उसका इसी साहसी साहस वाला स्वभाव और निर्भीक यानी कि किसी भी प्रकार का भय नहीं है वो स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। अगला प्रश्न है, दुष्यंत ने बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट यानी कि आकर्षण आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो दुष्यंत बालक के प्रति आक्रोश इसीलिए हो रहा था कि बालक स्वस्थ था, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक यानी कि भय रहित, हठीला यानी कि जिद्दी, तो कि बालक है वह स्वस्थ था, सुंदर था, निर्भीक था तथा जिद्दी था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आक्रोश यानी कि उसके प्रति आकर्षण उसे हुआ था।
कि ऐसा देख कर कि उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वह सुंदर है, वह जिद्दी है। उनकी यही विशेषताओं पर आकर्षण मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई है? दुष्यंत के अगला प्रश्न है, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? कि हमने देखा ना आगे कि वह तपस्विनियों ने कहा कि तुम बालक के साथ खेलना छोड़ दो। उसने ये खिलौने की लालच भी दी। उसने एक तपस्विनी से दूसरी तपस्विनी से कहा कि तुम जो मेरी कुटिया में ये तो वह दोनों तपस्विनियाँ सोच रही है कि दुष्यंत ने ऐसा क्या कहा कि बालक ने उसे सिंह शावक को छोड़ दिया। तो दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चे को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है। सताना यानी कि परेशान करना, इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। उसने कहा कि तुम इस प्राणियों के बच्चे को सताना तुम जो प्राणियों के बच्चे को सताते हो वो तपोवन के आचरण उनके विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल हल की निंदा भी होती है। ऐसा कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक के बच्चे को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई है? दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई है? तो उसकी दो रीतियां बताई है कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करें और पालन करते रहे। कि वह युवावस्था में जब आए तब वह महलों में रहकर भी पृथ्वी की रक्षा करे और उसका पालन करते रहे। और दूसरा कहा कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दुष्यंत ने उसके जीवन की दो रीतियां बताई कि जब वे युवावस्था में था तब वह महलों में रहकर भी पृथ्वी की रक्षा की और उसका पालन करते रहे, और जब वह वृद्धावस्था में थे तो वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि दुष्यंत क्या जानने के लिए व्याकुल थे? दुष्यंत क्या था कि बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है? दुष्यंत को यह पता चल गया था कि सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। अब वे यहाँ जानने के लिए व्याकुल है कि क्या शकुंतला उनकी पत्नी है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। कि ये बात जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे दुष्यंत कि क्या बालक सर्वदमन की माँ का नाम शकुंतला है। हाँ है, तो अब वे यह जानने के लिए व्याकुल थे कि क्या वह शकुंतला उनकी पत्नी है या नहीं जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। यह जानने के लिए व्याकुल थे। ये थे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 3 यानी कि सविस्तार उत्तर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।